नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वर्णिमा मिश्रा। आप देख रहे हैं जेकेके न्यूज। नमस्कार, जेकेके न्यूज में आपका स्वागत है। मुस्लिम धर्म गुरु चांद मियां कादरी ने मुस्लिम समाज से की अपील। शहर काजी ने भी शबे बारात की नमाज अपने घरों पर अदा करने की अपील की। एटा से मोहम्मद आसिफ की खास रिपोर्ट। शबे बारात के मौके पर देश के सभी धर्म गुरु, समाज सेवी व अधिकारियों ने मुस्लिम समाज के लोगों से शबे बारात को घरों में रहकर इबादत करके मानने की अपील की। इस मौके पर लोग रात भर जागकर खुदा की इबादत करते हैं। पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह ने पुलिस कर्मियों को एक दिन का वेतन देने की बात कही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं अपने तमाम दीनी इस्लामी भाइयों से और अपने तमाम देश और मुल्क के रहने वालों से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हजरात, जब तक हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है, हमें इसका बहुत पूरी तरह से एहतियात करना है और लॉकडाउन का पालन करना है। हमें कहीं भीड़ इकट्ठी ना करें और जो शबे बारात का ये त्यौहार है, इसकी इबादत हमें अपने घरों पर करें। मस्जिद में भीड़ इकट्ठी ना करें और अपने घरों पर बैठकर ही अल्लाह तबारक व तआला की हम्द सना, अस्तगफार और नमाज़ों की पाबंदी रखें। हमें अपनी कोताहियों से बार बार अल्लाह की बारगाह में तौबा करें और हम जो कब्रिस्तान जाते हैं तो कब्रिस्तान जाने से भी बाज रहें। इस बार अपने घरों पर ही बैठकर अपने बुज़ुर्गों की नज़र नियाज़ करें और उनको अपने घरों पर बैठकर ही इसाले सवाब करें। बहुत ज़रूरी, हमें एहतियात करना है, भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है और इस बात का ज़रूर ख्याल रखें, बार बार ख्याल रखें कि आपके आस पास में, आपके कोई पड़ोस में कोई इंसान भूखा न सोने पाए। और इस बात का भी ध्यान रखें, वो किसी मज़हब का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, किसी मज़हब का हो। इस्लाम की सच्ची तालीम है कि आपका पड़ोसी कोई भी हो, उसके साथ हुस्न सुलूक करें। अगर वो भूखा है तो उसका ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि हमारे घरों पर तो अच्छे पकवान, अच्छे उमदा किस्म के खाने बने और हमारा पड़ोसी भूखा हो, उसके घर में चूल्हा ना जला हो, तो फिर ऐसी नज़र न्याज ना अल्लाह को पसंद है ना अल्लाह वालों को पसंद है। इसलिए बहुत एहतियात रखना है, ध्यान रखना है कि हमारे पड़ोस में कोई भूखा ना सोने पाए। इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसमें तालीम दी गई कि हम किसी की मदद करें तो उसकी नज़र से नज़र ना मिलाएं। कहीं ऐसा ना हो आपकी हमदर्दी और आपकी मदद की वजह से उस बंदे की नज़र नीची हो जाए, कुर्बान जाएँ। ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है, तो इसलिए हमें इन तालीमात पे, अपने बुज़ुर्गों और अपने असलाफ के जो तालीमात थी उस पे हमें अमल करना है। और बिलखसूस इस वक्त मैं फिर कहता हूँ कि बस घर पे ही नमाज अदा करें, मस्जिदों में भीड़ इकट्ठी ना करें, वहीं से दुआ करें। आप जहाँ से भी दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला आपके दुआ को मकबूल फरमाता है। वो कादर मुतलक है हर चीज़ पर, हर इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर मुमकिन चीज़ पर कादिर है। वो आपकी हर जगह से फरियाद को सुनता है, आप जहाँ से पुकारते हैं वो आपकी फरियाद को सुनता है। इसलिए अपने घरों पर रहकर ही इन बातों का ख्याल रखें, भीड़ इकट्ठी नहीं करना है और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना है। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मैं मोहम्मद चांदिया कादरी बरकाती, मदरसा गुलशन बरकात, रायपुर बझेरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकात। खुदा हाफिज़, फी अमानुल्लाह। शबरात हमारे यहाँ 9 अप्रैल बरोज जुमेरात मनाई जाएगी। हर साल की तरह इस मरतबा क्योंकि करीना का कहर जो है सारे आलम में फैला हुआ है, इसके मद्देनज़र शबेदारी और जो नवाफिल पढ़ते थे मस्जिदों में, कब्रिस्तानों में जाते थे, कब्रिस्तानों में न जाकर, मस्जिदों में न जाकर घर पर ही शबेदारी और नवाफिल पढ़े
और ख़ास तौर से शब बारात पर बच्चों को हिदायत करें कि वो आतिशबाजी से बाज रहें, क्योंकि इसमें खर्चा भी है और फिजा भी ख़राब होती है, बड़ा गंदा होती है, इसलिए इससे एहतियात करें। और घरों पर ही, मस्जिदों के बजाय घरों पर ही नवाफिल वगैरह अपने घर पढ़ें, और ख़ास तौर से अल्लाह से दुआ करें कि ये जो करोना का वायरस का जो कहर तमाम आलम में फैला हुआ है, अल्लाह जल्द इसको दूर कर दे और सभी की जान व माल की हिफाजत फरमाए। ये DGP UP महोदय के निर्देशानुसार एक दिन का वेतन सभी पुलिस कर्मियों को स्वेच्छा से देने का निर्देश प्राप्त हुआ था। उसी के अनुपालन में जनपद एटा से कुल 1975 पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों ने अपने एक दिन का वेतन लगभग 22,99,692 रुपये की धनराशि ये RTGS के माध्यम से संबंधित खाते में उपलब्ध कराई है। तो आज ही ये धनराशि सहायता के लिए RTGS के माध्यम से खाते में डाली गई है। इसका इस्तेमाल आगे जो कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए कल्याण कोष बना है उसके माध्यम से किया जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें JKK न्यूज़, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।